नमस्कार मित्रों, मैं हरिवर्धन चौकसी आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आने वाला सितंबर महीना आप लोगों के लिए कैसा साबित होगा ये देखते हैं। मित्रों, आज देखते हैं तुला राशि, तुला राशि वाले के लिए सितंबर महीना कैसा साबित होगा। मित्रों, इस महीने में आपके लिए हर तरह की प्रॉब्लम आ रही है, शरीर से जुड़े हुए प्रॉब्लम, बिजनेस से जुड़े, नौकरी से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, ये सब प्रॉब्लमों का सामना आपको करना पड़ सकते हैं। मतलब जो कहावत है ना, आदि व्याधि उपाधि सब मिल रही है। तो मित्रों, इसकी शुरुआत ही आपके लिए थोड़ी सी तकलीफदेह साबित होगी और पूरा महीना आपको इस सब जो भी आपके तकलीफें आएगी उस पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा और सावचेत रहना पड़ेगा। इस समय में आप अपने बिजनेस पर भी कम ध्यान दे पाओगे, नौकरी में भी आपका समय शायद कम हो सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, भागदौड़ बढ़ सकती है, तो ये सब आपके लिए परेशानी खड़ी कर देंगे। जो भी काम आपके चल रहे थे उसमें रुकावट आती हुई दिख रही है, तो इसमें भी आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा, इसको भी चलाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस महीने में होने वाली यात्रा, इसमें भी आपको कष्ट हो सकता है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना, जब तक ज़रूरत न हो तब तक यात्रा को टाल देना, तो आपके लिए बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसके अलावा और एक मुश्किल ही है, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कामकाज, इसमें आपकी पीछे हट होती दिख रही है, पुलिस कार्यवाही हो सकती है, आप बंधन युक्त परिस्थिति में आ सकते हो। तो मित्रों, ये सब चीज़ आपके लिए सोच समझ कर ये समय को पसार करना पड़ेगा आपको। बिजनेस में इनकम रुक सकती है, कम हो सकती है, परेशानियां बढ़ सकती है, बिजनेस के लिए आप टाइम नहीं दे पाओगे, बीमारी से परेशान हो के आपको घर बैठना पड़े, इसकी वजह से आपके बिजनेस में कमी आए, बिजनेस में काम बिगड़ जाए, माल बिगड़ जाए, ये सब चीज़ आपको इस महीने में परेशानी हो सकती है। 10-12 सितंबर के बाद आपके करीबी रिश्तेदार एकदम से अचानक बीमार पड़ सकते हैं, इसके लिए भी आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, इसके लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो मित्रों, ऐसे देखा जाए तो ये पूरा महीना आपके लिए तकलीफदेह साबित हो सकता है। महीना पूरा होते होते आपको आखिरी 4-5 दिन थोड़ी सी राहत मिल सकती है और इसके बाद फिर आपका समय ठीक हो सकता है। तो मित्रों, ये जो पूरा समय है सितंबर मास, उसमें आपको बहुत सोच समझ कर आगे चलना है, नहीं तो आपकी तकलीफें आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो मित्रों, ये सब चीज़ आपने देखी, आप टेंशन में भी आ गए हो, लेकिन मैं उपाय देता हूँ, उपाय करना, आप ज़रूर इसमें से बच जाओगे। मित्रों, शनि की आराधना करो, शनि के 4 जानवरों को खाना खिलाओ, कौवा, कुत्ता, भैंसा और मछली, इनको खाना खिलाओ, आपके ऊपर शनि की कृपा अवश्य उतरेगी और आपका पूरा महीना ठीक ठाक रहेगा। इसके अलावा शनि की आराधना कीजिए, शनि मंदिर जाके तेल, काला कपड़ा, काली उड़द, ये आप दान कीजिए, इससे भी आपको फायदा होगा। इस समय में आपके चाचा ताऊ से अगर आपकी नहीं पड़ती है तो ये संबंध आप सुधारें, इससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और ऐसे ख़राब समय में ये लोग आपको साथ देंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करो, शेयर करो, यूट्यूब देखने वाले सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मैं हरिवर्धन चौकसी आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगले महीने नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो चलो, बदल दे जिंदगी। नमस्कार मित्रों।